Hello guys, what's up? So how are you doing, guys? Tell me, how is your Josh? Are you in a fear? I know you fear success. Why? Tell me. Because you fear hard work. Nobody wants to do hard work in life. They just want to reap the benefit. My dear friends, if you do not want to do hard work, let me tell you straight and a simple thing, and that is success will be very difficult to get. Even if you get the success, it won't be as big as you admired. Yes, hard work is essential. It's quintessential for success. Yes, hard work must be matched with smart work. Yes, that is for sure. And see, people, they say you do not need to do hard work, just do smart work. No, I will like to say, do the hard work in a smart way. Yes, your direction should also be right. Guys, with this positivity in our mind, in these difficult times, let's begin our session of the daily current affairs. Dosto, aaj ye session kaafi zyada important hone wala hai. Kyun bhai? Because see, my dear friends, teen char cheeze hain bhai jo aaj hum padhne wale hain, by the way, jisme se guys the most important thing is what, tell me, is the, yes guys, ek nayi vaccine aayi hai, pehle se thi by the way, but guys China ke andar us vaccine ko, my dear friends, you know, use kiya ja raha tha, and what happened? Hey, just give me a second. Some issues ongoing. Yeah, now, fine. हेलो माधुरी प्रिया, हेलो वैशालक्षी, हेलो कृणाल, हेलो अश्नीत, कैसे हैं आप भाई? आपकी क्लास का पहले ही बता दूं, संडे को नहीं हो पाई, देयर इज सम इश्यूज, शेड्यूल ही नहीं हो पाई, सो दिस वीकेंड, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू अश्नीत, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, फाइन, ओके. संभवी, रेयांश, प्रद्युमन, तबस्सुम, नीलिमा, इशिका, स्नेहा, ऐश्वर्या, नैना, प्रद्युमन, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? तनिष्का, अनिल वर्मा जी, हाउ आर यू? कैसे हैं भाई आप सभी लोग, माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? नीडा अंसारी, राय बनर्जी, अनित चौधरी जी, कैसे हैं आप? नाइस वन हर्षप्रीत. सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय स्क्रीन, बट आई हैव फिक्स्ड इट गाइस, कोई इश्यूज नहीं होंगे अब आगे. चलिए गाइस, शुरू करते हैं इस क्लास को, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास गाइस. दिस इज द डेली करंट अफेयर्स विद मी. माय नेम इज रोहन त्यागी. यू ऑल नो मी एज योर फ्रेंड, एज योर गाइड, एज योर टीचर. गाइस, आज है 10th मई और मैं आज आपको बताने वाला हूं टॉप 10 न्यूज 10th मई की, जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको डेफिनेटली 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 हेल्प करने वाली है. भाई पहली न्यूज देखिए, बहुत ही ज्यादा इजी सिंपल न्यूज है. देखिए भाई, सबसे पहले तो भाई आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बिना बोले यार एटलीस्ट क्लास को लाइक तो कर दो. 1/3 रेशियो चल रहा है लाइक का, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार. अपनी क्लास में मैं जब 150% एनर्जी लगाता हूं तो लाइक्स भी एटलीस्ट 100% तो होने चाहिए ना प्यारो. डोंट गाइस, प्लीज डू दैट, लाइक करें गाइस क्लास को सबसे पहले. चलिए, सो गाइस देखिए, इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जो हैं गाइस, दे आर फेसिंग फिजिकल डिसेबिलिटी. पहले आप उनको विकलांग बोला करते थे, बट एक एटीट्यूडनल चेंज 2015 के बाद इंडिया में आया है, जब हम इन विकलांगों को बोलने लगे हैं दिव्यांग. दिस इज दिव्यांग जन, फाइन. सो गाइस, आप सभी को पता है 2015 में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ था. एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मैं लास्ट में दूंगा इस न्यूज के. और 2016 में गाइस, ये
सर्टिफिकेशन यानी कि UDID पोर्टल लॉन्च किया गया था मेरे प्यारे मित्रों बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज DEPWD। सो पहली चीज तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो गाइस ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, ये बात याद रखनी है आपको। गाइस यहां पर न्यूज क्यों है ये पहली चीज, व्हाई दिस इज अ न्यूज, पहले तो आपको मैं ये बता दूं भाई, देखें जैसे आपको आधार कार्ड नंबर मिलता है ऐसी डिजेबल्स को द पीपल हु आर दिव्यांग उनको एक UDID नंबर मिलता है, क्या बोलते हैं उसको UDID नंबर, और वो नंबर आप बहुत सारी जगहों पर यूज कर सकते हैं टू हैव बेनिफिट्स, यानी कि डिसेबिलिटी के रिजर्वेशन का बेनिफिट है, दूसरे कई देर आर बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। सो आप केवल ये नंबर यूज करके हर जगह पर बेनिफिट ले सकते हैं, आपको हर जगह ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप डिजेबल हैं, सिर्फ एक नंबर अगर आपके पास होगा थ्रू दैट इट विल बी प्रूव्ड दैट यू आर डिजेबल्ड एंड एंटाइटल्ड टू ऑल द बेनिफिट्स, फाइन। सो अब हुआ बेसिकली ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है गाइस कि अब ये नंबर केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलने वाला है थ्रू द वेबसाइट, सिंपल एज दैट। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों ये न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात गाइस आर्टिकल 41 क्या बोलता है, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, एंड इनमें से सर्टेन केस क्या है, डिसेबलमेंट, क्या है दोस्तों डिसेबलमेंट आप देख सकते हैं। सो पहली चीज एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, और ये UDID जो वेबसाइट है दे आर फुलफिलिंग दी आर्टिकल नंबर 41 द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल नंबर 41, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। क्या होता है UDID, बता चुका हूं आपको मैं पहले ही, 2016 में ये लॉन्च हुआ था, कार्ड भी आपको मिलता है, और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के बारे में यहां पर लिखा है जब ये गाइस 2015 में लॉन्च हुआ था ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज यू कैन सी माई डियर फ्रेंड, फाइन। सो मेरे प्यारे मित्रों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बता दी है आज न्यूज के अंदर, काफी ज्यादा थी। स्नेहा जायसवाल कैसे हैं आप, कोई नहीं कोई नहीं, यस DPSP इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सो आर्टिकल नंबर 41 को ये चीजें फुलफिल करती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर फ्रेंड्स। चले भाई आगे बात करते हो, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये न्यूज थी, इसके अंदर कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। GS1 सोसाइटी और GS2 गवर्नेंस दोनों के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो। अब भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, आप लोग भी सोच रहे होंगे पेपरों में भाई फर्स्ट पेज पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सेंटर को लताड़ लगाई है, क्या सुप्रीम कोर्ट एनक्रोचमेंट कर रहा है एग्जीक्यूटिव्स में, तो एक बार इस न्यूज को अच्छे से एनालाइज करते हैं और देखते हैं दोस्तों कि क्या रिपरकशंस हैं। चलिए लेट्स सी, देखिए पहले मैं आपको बता दूं कहानी, बेसिकली कहानी हुई क्या थी। देखिए भाई एक इशू हो गया था बाय द वे, और वो इशू था ये, देखिए हुआ गाइस बेसिकली ये, लास्ट वीक कर्नाटका के अंदर, जैसे आप जानते हैं पूरी इंडिया के अंदर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की कमी चल रही थी, तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेंटर को ऑर्डर दिया, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि उन्हें 1200 टन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करना है स्टेट में। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर ऑब्वियसली मानना पड़ता है बिकॉज इट इज जुडिशरी, तो इस बात पे सेंट्रल गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहां गई मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रीम कोर्ट की, आप ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकते जब पूरे देश के अंदर इतनी ऑक्सीजन की कमी चल रही है, तो यू कैन नॉट जस्ट गिव अस ऑर्डर, क्योंकि हर स्टेट का अगर हाई कोर्ट ऐसे ऑर्डर करने लग जाए तो ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स क्या बहुत बड़ा इशू हो सकता है। सो ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और कई जब ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक 12 मेंबर्ड नेशनल टास्क फोर्स क्रिएट कर रहा हूं,
गाइस सुप्रीम कोर्ट ने ये नेशनल टास्क फोर्स क्रिएट करी है, जो 12 मेंबर्ड टास्क फोर्स है, एंड जिसके हेड कौन है, हमारे चीफ सेक्रेटरी है, इंडिया के हाईएस्ट लेवल के आईएएस ऑफिसर जो होते हैं दोस्तों, ठीक है। सो ही विल बी हेडिंग दिस टास्क फोर्स, एंड माई डियर फ्रेंड्स ये टास्क फोर्स क्या करेगी, कोविड रिलेटेड एलोकेशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, अदर इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा को देखने वाली है। तो ये तो है मेरे प्यारे मित्रों पूरी कहानी जो लास्ट वीक घटी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये 12 मेंबर्ड नेशनल टास्क फोर्स बनाई। तो गाइस ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, देख सकते हो कैबिनेट सेक्रेटरी इसके हेड होंगे इस टास्क फोर्स के। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये जुडिशियल ओवररीच है? सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात बोलता है ये जुडिशियल ओवररीच नहीं है, बट अगर आप बहुत सारे एडिटोरियल्स हैं आज वो पढ़ोगे तो उसमें ऑब्वियसली ये बात लिखी है कि यस दिस इज जुडिशियल ओवररीच, क्योंकि यार एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन ये सब चीजें देखना इज अ वर्क ऑफ व्हाट, टेल मी, एग्जीक्यूटिव। देखिए गाइस किसी भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, अगर आपको ये बात बताना हो कि इंडिया की गवर्नमेंट टाइप जो है वो पार्लियामेंट्री है, आपको पता है कि देयर आर सम जुडिशरी, उनका एक अलग स्फीयर होता है, एंड देन गाइस देयर आर सम लेजिस्लेटर्स एमपी एमएलए, और उसके अंदर से एग्जीक्यूटिव्स दे आर माय डियर फ्रेंड्स दे आर सेलेक्टेड। भाई नरेंद्र मोदी जी एमपी हैं, हाँ ना, राहुल गांधी जी भी एमपी हैं, पर राहुल गांधी जी आप यहां पर होंगे वो लेजिस्लेचर में है, लेकिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो एक एग्जीक्यूटिव है। तो दोनों के जो पावर्स हैं, स्पीयर्स ऑफ इंफ्लुएंस हैं, दे आर सेपरेटेड, दे कैन नॉट एनक्रोच। लेकिन अब जुडिशरी एनक्रोच कर रहा है लिटिल बिट इन एग्जीक्यूटिव स्फीयर, ये मैंडेट करके कि आपको काम ऐसे करना है। सो दिस इज डेफिनेटली अ जुडिशियल ओवररीच। यस गाइस ये जुडिशियल ओवररीच का केस है। तो जुडिशियल ओवररीच क्या है, जब जुडिशरी अपना काम छोड़ के दूसरों का काम करने लग जाए। यस देखिए जुडिशरी कोई भी डिसीजन ले सकती है, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंच होता है, कोई भी लीगल राइट अगर आपका इन्फ्रिंच होता है, वॉयलेट होता है, सो जुडिशरी कैन टेक एनी स्टेप टू स्टॉप दैट, उस इन्फ्रिंचमेंट को रोकने के लिए जुडिशरी कोई भी स्टेप ले सकती है। सो गाइस एक तरह से ये जुडिशियल ओवर रीच तो डेफिनेटली है ही है, और दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हो कि यस एक पॉजिटिव चीज ये है कि जुडिशरी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आर्टिकल नंबर 21, दैट इज राइट टू लाइफ, एंड राइट टू लाइफ ऑल्सो कंटेन्स राइट टू हेल्दी लाइफ, फाइन। सो ये डिबेट है, और ये डिबेट ऑन गोइंग डिबेट है, और ये डिबेट कभी खत्म भी नहीं होगी कि क्या ये जुडिशियल ओवर रीच है या नहीं है। तो आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। भाई देखिए कृष्णा धपोला, आप पूछ रहे हो सर पीडीएफ कहां मिलेगा इस क्लास का, ग्रेडअप की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का पूरा कथा चिट्ठा मिल जाएगा आज का, डाउनलोड एज पीडीएफ अपने ब्राउजर से आपको करना है, आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, सिंपल सी बात है यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। यस पीआईएल के अंदर भी तभी ले सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, जब कोई राइट आपका इन्फ्रिंज होता है एनी डिसीजन, फाइन। तो गाइस जी हां, सो गाइस यहां पर यही डिबेट है कि ये जुडिशियल ओवररीच है या नहीं, दैट्स द डिबेट, फाइन, जो आर्टिकल्स में दिख रही है आपको आजकल के, ठीक है। चलिए सो गाइस ये न्यूज यहां पर मैं खत्म करता हूं, नेक्स्ट न्यूज पे मूव कर जाता हूं। देखो बहुत ही आसान न्यूज आ रही है भाई, एक यूएस बेस्ड ग्रुप है जिसका नाम है रोडियम ग्रुप, उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, इसका नाम है ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिपोर्ट, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिपोर्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट लॉन्च करी है किसने, यूएस बेस्ड रोडियम ग्रुप ने, पहली चीज।
भाई पहली चीज ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, देखिए गाइस ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, डायरेक्ट सनलाइट को दे कैन नॉट एब्जॉर्ब, बट जब ये सनलाइट अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है तो जो अर्थ से रेडिएशन निकलती है, हीट रेडिएशन जिसको हम इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए सबसे ज्यादा धूप किस समय आपको मिलती है, भाई 12 बजे दोपहर में सूरज लगभग सर के ऊपर होता है आपके, और उस समय हाईएस्ट इंसुलेशन होती है यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, लेकिन 12 बजे आप देखोगे हाईएस्ट टेम्परेचर आपको देखने को नहीं मिलता, 38-39 चल रहा है आजकल दिल्ली में 12 बजे, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में आपको हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है, स्पेशली 2 से 4 मैं बोलूंगा यहां पर टाइम जो होता है 2 से 4 के बीच में। क्यों? सो ये क्यों लैग होता है, व्हाई देयर इज दिस लैग? हाईएस्ट इंसुलेशन रिसीव्ड यहां पर आप देखोगे एंड हाईएस्ट टेम्परेचर एट 2 to 4 PM डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, बिकॉज गाइस ये टाइम लगता है फॉर ग्रीन हाउस गैसेस टू एब्सॉर्ब द आउटगोइंग रेडिएशन, जो अर्थ की इंफ्रारेड रेडिएशन छूट रही है उसको एब्सॉर्ब करने में टाइम लगता है। सो दिस इज व्हाई देयर इज दिस लैग ऑफ टेम्परेचर, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, जो आउटगोइंग रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेती हैं। एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 एक्सेट्रा, ठीक है। तो पहली चीज, पहला प्रश्न हमने उत्तर दे दिया है कि व्हाट आर दीज ग्रीन हाउस गैसेस, ये बात आपको पता चल चुकी है। सेकंड थिंग भाई, दूसरी चीज हमने आंसर कर दिया व्हाट, अब आंसर करते हैं क्या हमारे पास कोई इंटरनेशनल, हमारे पास कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए? यस है गाइस, देखिए 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम था UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और UNFCCC के अंदर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन की गई जहां पर बाइंडिंग टारगेट्स दिए गए डेवलप्ड कंट्रीज को टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल के बाद UNFCCC के अंदर गाइस हमने साइन किया पेरिस क्लाइमेट डील। सो मेरे प्यारे मित्रों, UNFCCC के अंदर जो क्योटो प्रोटोकॉल थी इसके अंदर कुछ गैसेस जो थी उन्हें रिड्यूस करने की बात हुई थी। ये 6 गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, SF6, HFCs एंड PFCs। तो ये 6 गैसेस थी और इन 6 गैसों को हम बोलते हैं क्योटो गैसेस। क्या बोलते हैं? क्योटो गैसेस। बाय द वे क्योटो एक शहर है जापान में। सो गाइस ये रिपोर्ट इन क्योटो गैसेस के बारे में बात करती है कि इनका क्या ट्रेंड है। चलो तो ट्रेंड एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज ट्रेंड ये है कि लास्ट डेकेड से अगर आप इस डेकेड को कंपेयर करें, सो मेरे प्यारे मित्रों 11.4% का इंक्रीज हुआ है। दिस इंक्रीज ऑफ 11.4% इन टोटल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो यस मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर इंक्रीज हुआ है, ये बात तो पक्की है कि यस डेफिनेटली 11.4% का इंक्रीज है इन एमिशन इन दीज 10 ईयर्स। दूसरी चीज भाई, कंट्री वाइज अगर हम देख लें तो चाइना विद 27% इज द हाईएस्ट एमिटर, फॉलोड बाय यूएस एट 11% टोटल ग्रीन हाउस गैसेस, और इंडिया इज एट 3 at 6.6%। तो यहां पर आप देखोगे ये हैं, उसके बाद EU है, यूरोपियन यूनियन, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, रशिया, ब्राजील एंड जापान।
सो गाइस चाइना के ऊपर फोकस करते हुए ये रिपोर्ट बोलती है कि चाइना का प्लान है, देखिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर एक चेंज हुआ, सब कंट्रीज ने अपने अपने प्लान्स सबमिट किए और सारे प्लान्स को मिलाकर क्रिएट हुआ ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो जो इंडिविजुअल प्लान था उसको हम बोलते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC। तो ये रिपोर्ट बोलती है जो चाइना का INDC है दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट इनफ माई डियर फ्रेंड्स। तो ये रिपोर्ट ये बात भी बोलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो गाइज ये चीज आपको देखनी है, बस इससे ज्यादा मैं इस न्यूज में नहीं आपको बताऊंगा, सारा डेटा दे दिया, सारा एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड कर दिया। चलिए गाइज बात करते हैं एक और न्यूज की, भाई थोड़ा रुक जाओ, इंटरेस्टिंग न्यूज वैक्सीन के बारे में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपको वैक्सीन कब कहां कैसे और कौन सी लगवानी है। रुक जाओ, इस न्यूज के बाद कोविड की न्यूज पे मैं मूव कर रहा हूं। देखो भाई आज पेज नंबर आई थिंक 9th के ऊपर या 9th पेज के ऊपर ये न्यूज है, बाय द वे हिंदू में, लेदर बैक टर्टल के बारे में। देखिए गाइस लास्ट ईयर नीति आयोग ने एक प्लान क्रिएट किया था टू डेवलप निकोबार आइलैंड। तो निकोबार आइलैंड है आप सभी को पता है, अंडमान निकोबार आइलैंड से इंडिया में, तो निकोबार आइलैंड के ऊपर एक पोर्ट क्रिएट करने की बात थी, क्या पोर्ट क्रिएट करने की। सो गाइस आपको यह बात पता होनी चाहिए, अगर इंडिया में आपको कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अब ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्या होती है, इसको पाने के लिए आपको करना पड़ता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, EIA। इसके बारे में दोस्तों आपने सुना होगा कि EIA क्या होता है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, और इसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, स्कोपिंग, स्क्रीनिंग, पब्लिक कंसल्टेशन, अप्रेजल एक्सेट्रा। तो EIA आपको यह बताता है कि इस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या होने वाले हैं। सो गाइस जब EIA होता है उस EIA की रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। अगर एनवायरमेंट इंपैक्ट्स कम है, अगर बहुत ज्यादा है तो मेरे प्यारे मित्रों आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलती उस प्रोजेक्ट के लिए। सो EIA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट एनवायरमेंट क्लियरेंस। EIA की जो रिपोर्ट होती है फाइनल रिपोर्ट, उसको स्टडी करने के बाद आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। सिंपल सी दोस्तों ये बात है। सो गाइस इस EIA के दौरान अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जो ये पोर्ट बन रहा था आपका, दिस पोर्ट दैट इज बीइंग क्रिएटेड इन द निकोबार आइलैंड, इसके ऊपर EIA चल रहा था टू गेट एनवायरमेंटल क्लियरेंस, EIA वॉज गोइंग ऑन। और EIA के अंदर होती है दोस्तों एक EAC एनवायरमेंटल अप्रेजल कमिटी जो पूरी रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ती है, और EAC ने यह बात बोली है कि जो आपका प्रोजेक्ट है इट हैज सीरियस कंसर्न्स, सीरियस एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन फॉर 3 स्पीशीज, जिसमें से सबसे मेन है लेदरबैक टर्टल, दूसरा है निकोबार मेगापॉड और तीसरा है डुगोंग। तो इस EAC ने दोस्तों ये बात बोली, क्या बात बोली है भाई, दैट गाइस इट इज अ वेरी 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 डेंजरस दिस प्रोजेक्ट फॉर दीज 3 स्पीशीज। तो चलिए इन तीनों स्पीशीज के बारे में एक बार जान लेते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं लेदर बैक टर्टल की, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टर्टल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स
ये है इस टाइम पे अगर आप देखोगे ज्योग्राफिक रेंज इसकी वुलनरेबल, IUCN की लिस्ट में ये वुलनरेबल है। और इंडिया में ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे मिलता है। इसके अलावा निकोबार मेगापॉड एक बर्ड है, आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी इट इज एंडेमिक टू निकोबार आइलैंड, क्लियरली आप इस चीज को देख सकते हैं, ये एक बर्ड है, फाइन। और इसके बाद है आपका डुगोंग, जो भी वुलनरेबल है, जिसको आप सी काओ भी बोलते हैं, एक वेजिटेरियन यानी कि हर्बीवोरस सी मैमल है ये। तो गाइस इस EIA के दौरान जो EAC है, जो कमिटी है, उसने बात बोली है कि तीन स्पीशीज आर एट रिस्क। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है भाई। EIA की फुल फॉर्म बता दी थी स्टार्टिंग में ही, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो भाई अभी एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है। भाई अर्पित जी, भाई देखिए ऐसी बात आप ना करें तो अच्छा है, ठीक है। नॉलेज आप जहां से लें वहां से अच्छा है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले अपने अंदर झांके और उसके बाद दूसरों के ऊपर कुछ बात बोले, ठीक है। चलो कोई नहीं, छोड़ देते हैं इस चीज को। भाई रेड लिस्ट होती है, पिंक लिस्ट नहीं है अनिल वर्मा जी, ठीक है। चलिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज देखो भाई, कोविड की न्यूज मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। कोविड रिलेटेड तीन चार न्यूज मुझे आज आप लोगों को देनी है, ध्यान से सुनिएगा हर न्यूज के बारे में, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। भाई सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रिप्स वेवियर दे दिया है दोस्तों। लास्ट वीक डेली लगभग हम इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे कि अब यूएस ट्रिप्स वेवियर देगा, अब यूएस ट्रिप्स वेवियर देगा। भाई सबसे पहले बता देता हूं आपको भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक एग्रीमेंट है जिसका नाम है ट्रिप्स। इसका नाम क्या है? ट्रिप्स एग्रीमेंट, फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये आपके पेटेंट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करता है। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी बने मेरे प्यारे मित्रों, जहां पर दोस्तों एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, तो WTO इस ट्रिप्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता है। दैट इज बिना लाइसेंस के भी आप चीजों को मैन्युफैक्चर कर सकते हो इफ देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। देखिए भाई लास्ट वीक, और मैं आपको बोलूं अक्टूबर 2020 में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO के अंदर ये गुहार लगाई कि आप प्लीज ट्रिप्स के सेक्शन 1457 को रिलैक्स करें, उसको वेव ऑफ कर दे, बिकॉज यहां पर एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं। देन माय डियर फ्रेंड्स, ये बात अब मान ली गई है, यूएसए ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन यहां पर देखिएगा डिमांड क्या थी, इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने डिमांड करी थी कि आपको वेवियर हमें देना है वैक्सीन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, जो हमें COVID-19 से लड़ने में मदद करेगी। पर मेरे प्यारे मित्रों, यूएस ने किस चीज के ऊपर एग्री किया है? ओनली वैक्सीन्स। तो अगर आपको वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर करनी है तो उसके लिए दे आर गिविंग वेवियर। अगर यू वॉन्ट टू क्रिएट अ ऑक्सीजन प्लांट, जहां पर आप एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, where you are using a patented technology, तो आप वो without license नहीं कर सकते। But हाँ, अगर आप एक vaccine manufacture करना चाहते हो, so वो आप कर सकते हो without license from the pharma organization। अब मैं आपको यहां पर एक example मेरे प्यारे मित्रों दे देता हूं। देखो भाई इंडिया के अंदर देखो सिंपल बात यह है, सबसे पहले देखो AstraZeneca ये एक कंपनी है,
और इसने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके दवाई बनाई है, कौन सी? कोविशील्ड, जो बहुत सारे लोगों ने लगाई भी होगी यहां पर बैठे हैं जो। तो कोविशील्ड एक वैक्सीन है जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने बनाई है। अब कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस दिया है किसको? बताइए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। और इस लाइसेंसिंग के अंदर मेरे प्यारे मित्रों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर कर सकता है, और उसको जो ये प्रोसेस है ये पूरा फॉलो करना पड़ेगा। तभी आपने ये बात देखी होगी कि यूएस कुछ बैग्स थे, बायो बैग्स जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर हम कोविड वायरस को ग्रो करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, उन बैग्स की कमी पड़ गई थी। सो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी रुक गई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कुछ दिन पहले, और उसके बाद आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड इंडिया छोड़ के भाग गए थे लंदन यूके, कह के कि भाई थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यूएस ने डिफेंस एक्ट के अंदर कुछ भी चीज को बाहर इंपोर्ट होने से रोक दिया। सो गाइस, विदाउट लाइसेंस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोई भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। अब अगर ट्रिप्स को हमने हटा दिया यहां से, तो अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास फ्री हैंड है, वो कितनी भी वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर कर सकता है, उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर दैट टेम्पररी पीरियड। सिंपल सी बात यह है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये कंपनीज टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी? और वो है अ बिग नो, अ बिग नो। भाई आपने बोल दिया, मान लो नाइजीरिया को या फिर चैड को, भाई हम आपसे लाइसेंस नहीं हम आपको कर रहे, आप बना लो जो आपको मन करे। तो क्या चैड जैसी कंट्री जो इतनी पिछड़ी हुई है विदाउट टेक्नोलॉजी कोविड वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चर कर पाएगी? नहीं, डेफिनेटली अ बिग नो। सो टेक्नोलॉजी को भी देना जरूरी है, और इसीलिए यूएस को भी ये बात पता है कि अगर मैं ट्रिप को रिलैक्स भी करता हूं तो कुछ ही कंट्रीज हैं लाइक चाइना, लाइक इंडिया, लाइक ब्राजील, जिनके पास फार्मास्यूटिकल में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है टू मैन्युफैक्चर दीज वैक्सीन। और चाइना को तो जरूरत भी नहीं है, खुद की 5 वैक्सीन लेके बैठा है भाई, जिसमें से एक वैक्सीन के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। हाँ, है ना? ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको ऑक्सीजन प्लांट बनाना है और उसके लिए आप एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, उसके लिए आप एक लाइसेंस ले रहे हो उस कंपनी से पेटेंट का, उसको फीस दे रहे हो, तो यहां पर आपको कोई लीनियंसी नहीं दी गई है। सिर्फ वैक्सीन के केस में ट्रिप्स को हटाया गया है मेरे प्यारे मित्रों। पूरी कहानी यहां पर लिखी हुई है, बाय द वे मैंने इस डायग्राम में पूरी कहानी लिख दी है। स्नैपशॉट लेना है तो आप डेफिनेटली मेरे प्यारे मित्रों ले सकते हो स्नैपशॉट भी, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है, चलो। अरे क्या हो गया लड़ाई किसकी हो रही है भाई? ट्रिप्स की फुल फॉर्म जी अर्पित शर्मा जी, भाई आपको बता देता हूं, स्टार्टिंग में ही आपको वायदा में बताई थी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज ट्रिप्स। ठीक है भाई, चलो भाई हट जाऊं मैं पहले? अच्छा भाई, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं हम आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लो खचाक ले चुके हो आप डायग्राम का स्नैपशॉट, तो मैं यहां पर वापस से आ जाता हूं। ठीक है, चलो आओ भाई। नेक्स्ट न्यूज के बारे में मैं बात करते हैं, सिनोफार्मा की कोविड 19 वैक्सीन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया है। भाई चाइना के पास आज टोटल 5 वैक्सीन हैं, और 5 में से 1 वैक्सीन को इंटरनेशनल यूजेज के लिए अप्रूवल मिल गया है। तो गाइस, ये सिनोफार्मा की जो वैक्सीन है ये क्या है, इसकी एफिकेसी कितनी है, और ये किस टाइप की वैक्सीन है, चलिए
इस बारे में जानते हैं। भाई सबसे पहली चीज देखिए, आपको पता होगा कि किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। भाई ह्यूमन ट्रायल्स में लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक ग्रुप को वैक्सीन की जगह सेलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको वैक्सीन दी जा रही है। वहीं दूसरे ग्रुप को इन रियलिटी वैक्सीन दी जाती है, यह है आपका वैक्सीनेटेड ग्रुप। और इन दोनों ग्रुप्स को अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस ग्रुप में कितने लोग इन्फेक्ट हुए, मान लेते हैं 20 लोग इन्फेक्ट हुए, और इस ग्रुप में कितने लोग इन्फेक्ट हुए, मान लेते हैं 10 लोग इन्फेक्ट हुए। तो यहां पर 50% कम चांस है, अगर आपके पास वैक्सीन है, आपको वैक्सीन लगी है, इन्फेक्ट होने के, यस और नो। सो इस वैक्सीन की एफिकेसी होगी इस केस में 50%। सो इसी प्रकार से दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, तीन बार ऐसे ट्रायल होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स, तीन बार ट्रायल होते हैं। और उसके अंदर इस सीनोफार्मा की जो सीनोवैक वैक्सीन है, इसकी आपको एफिकेसी कितनी है, 79%, लगभग 79% एफिकेसी हमारी कोवैक्सीन की भी है। और आप देखोगे कि कोवैक्सीन जो है वो भी कुछ इसी तरह की वैक्सीन है। चलो देखो, कोई भी वैक्सीन 5 तरह की हो सकती है, बल्कि 6 तरह की मैं बोलूंगा। पहली इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, mRNA वैक्सीन और एडिनो वायरस वैक्सीन। एक बार आप लोगों को फटाफट से मैं बता देता हूं कौन कौन सी ये वैक्सीन है। देखिए भाई, ये 4 तरह की वैक्सीन जो बनाई जाती हैं, ये पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड है। चलिए देखो, सबसे पहली चीज मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर देखेंगे आप, ये है, अरे कहां गया भाई, जी हां, हाँ ये है ना। तो देखो दोस्तों, वीकेंड वायरस वैक्सीन में वायरस को मारा नहीं जाता, जिस वायरस के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी चाहिए उसको वीक करके आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसकी वजह से वायरस आपकी बॉडी में जाता तो है पर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, और उस वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर लेती है। वहीं दूसरी टाइप की वैक्सीन होती है डेड वायरस वैक्सीन, जिसको हम इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन बोलते हैं। इसके अंदर वायरस को मार दिया जाता है, उसकी डेड बॉडी को आपकी बॉडी में मेरे प्यारे मित्रों इंजेक्ट किया जाता है टू ट्रिगर दी इम्यून रिस्पॉन्स। मेरे प्यारे मित्रों, ये वैक्सीन जो है सीनोवैक, जो WHO ने अप्रूव करी है, और कोवैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, दे आर इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। और यहां पर अगर आप एक चीज देखोगे, दोनों का ही एफिकेसी रेट अराउंड 79% आ रहा है, दोनों का ही एफिकेसी रेट 79% आ रहा है। दोस्तों इस इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज आपको पहले वायरस को क्लीन करके मारना पड़ता है, फिर उसको वापस से क्रिएट करना पड़ता है। सो इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस टाइप ऑफ वैक्सीन। सो आपकी जो सीनोफार्मा की वैक्सीन है चाइनीज, वो मेरे प्यारे मित्रों क्या है, यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। इसके बाद टॉक्साइड वैक्सीन होती है, जहां पर वायरस जो एक केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल को भी आपके अंदर इंसर्ट करके इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर किया जा सकता है। टिटनेस, जो टिटनेस की आपको वैक्सीन लगती है, इंजेक्शन लगता है, वो ये एग्जांपल है। फिर होती है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, जिसमें वायरस का एक पार्ट, एक सिंगल पार्ट यूज करके आप ट्रिगर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों रिस्पॉन्स। कैसे, देखो यहां पर ये वायरस है COVID-19, तो इसका स्पाइक प्रोटीन जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है, और स्पाइक प्रोटीन को मेरे प्यारे मित्रों आप ले लेते हैं, और स्पाइक प्रोटीन को ही आप मैन्युफैक्चर करके मेरे प्यारे दोस्तों मित्रों आप इस स्पाइक प्रोटीन से ही वैक्सीन क्रिएट कर देते हैं, और इस वैक्सीन को उसके बाद आप एडमिनिस्टर कर देते हैं।
सनोफी की जीएसके की वैक्सीन है, वो इसी टाइप की है, नोवावैक्स है, ये इसी टाइप की मेरे प्यारे मित्रों वैक्सीन हैं कुछ, ये बात आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ वैक्सीन होती हैं दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों। अब सेकेंड टाइप की देखो वैक्सीन जो है आपकी वो होती है आपकी कौन सी, mRNA वैक्सीन। भाई इसमें क्या होता है, देखिए ये है एक सेल और इस सेल का एक डीएनए होता है और ये डीएनए एक आरएनए क्रिएट करता है, एक mRNA मैसेंजर आरएनए, यानी कि ये डीएनए सेल को मैसेज देता है कि आपको कौन सा प्रोटीन क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल लीवर सेल का mRNA क्या बोलेगा कि आपको बिलिरुबिन प्रोड्यूस करना है, आया ना, आपके जो माउथ के अंदर सेल हैं उनके अंदर एक mRNA होगा जो ये सिग्नल देता है कि आपको सेलेविया प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों अगर देखा गया है रिसर्च में, अगर आप डायरेक्टली इस mRNA को यूज करें एज अ वैक्सीन तब भी बॉडी में ट्रिगर हो सकता है इम्यून रिस्पॉन्स। सो कोविड 19 के केस में जो mRNA इस स्पाइक प्रोटीन को क्रिएट करता है उस mRNA को यूज करके मेरे प्यारे मित्रों वैक्सीन बनाई जा रही है, आप देख सकते हो। और इस mRNA वैक्सीन बहुत सारी हैं, फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन है आप सभी को पता है, और उन सभी की एफिकेसी 90% से ज्यादा है मेरे प्यारे मित्रों। इंडिया भी एक mRNA वैक्सीन बना रहा है, ये बात याद रखनी है मेरे प्यारे मित्रों। भाई इसके अलावा आप डायरेक्टली mRNA की जगह डीएनए यूज कर सकते हो, यानी कि डीएनए को डायरेक्टली एज अ वैक्सीन यूज कर सकते हो। और इस तरीके से मेरे प्यारे मित्रों आपकी वैक्सीन कौन कौन सी बनी है, एडिनोवायरस वैक्सीन बोलते हैं इस टाइप की वैक्सीन को, क्यों भाई कोविड के केस में जो कोविड का डीएनए है उसको आपको एक और वायरस के अंदर डालना पड़ता है और वो होता है एडिनोवायरस। भाई यहां पर आपकी कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो कुछ इस टाइप की है, एडिनोवायरस वैक्सीन है, ठीक है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है वो भी इसी टाइप की है, स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट वैक्सीन जो है वो भी कुछ इसी टाइप की वैक्सीन है। सो मेरे प्यारे मित्रों देखो ये जो वैक्सीन है चाइना की जो अभी आ रही है ये सारे म्यूटेंट के खिलाफ काम करती है, ये बात फॉर श्योर है। वहीं कोविशील्ड आपके म्यूटेंट के खिलाफ काम नहीं कर रही, कोविशील्ड लगे हुए पेशेंट्स को आपने देखा होगा कोविड हो रहा है ना, तो वैक्सीन भी सिनोवैक की तरह सारे म्यूटेंट के खिलाफ काम कर रही है, स्पुतनिक वी भी सारे म्यूटेंट के खिलाफ काम कर रही है मेरे प्यारे मित्रों। और इसके अलावा स्पुतनिक लाइट वैक्सीन भी आने वाली है जिसको आप दूसरी वैक्सीन के साथ ले सकते हो, मान लो आपने कोविशील्ड लगवाई थी तो 3-4 महीने बाद आप स्पुतनिक लाइट वैक्सीन भी लगा सकते हो, ये दूसरी वैक्सीन के साथ आप इसका एक बूस्टर शॉट लगवा सकते हो, ठीक है। अब भाई एक और न्यूज आ रही है, 2DG ड्रग, 2-deoxy-D-glucose ड्रग, कई DGCI जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर एक बॉडी है जो ड्रग्स को यूज करने की परमिशन देती है, उसने DRDO के एक दवाई को जिसका नाम है 2DG ड्रग उसको अप्रूवल दे दिया है, आप देख सकते हो। इसके अंदर देखिए ये जो ड्रग बनाए हैं ये जिसको कोविड हो गया है उसको बेटर रिकवर करने में हेल्प कर सकता है। देखिए इसमें होता बेसिकली ये है मेरे प्यारे मित्रों, इस ड्रग के अंदर कि आपको इसको खाना है, सैशे के अंदर आता है इनो की तरह, और इसके अंदर ऐसे केमिकल हैं जो वायरस इंफेक्टेड सेल से जाकर बाइंड हो जाते हैं, यानी कि मान लीजिए आपकी बॉडी में आपके जो फेफड़े हैं उसके सेल्स के अंदर कोविड वायरस है तो इन सेल्स के अंदर जाकर ये दवाई बाइंड हो जाएगी और वायरस को रिप्रोड्यूस करने से रोकेगी, जिससे कि आपके सिम्टम्स एलिविएट हो जाएंगे, आपको ज्यादा अच्छी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी अपनी बॉडी में। सिंपल बात यह है जो भी सेल आपकी बॉडी में वायरस से इंफेक्टेड है उस सेल में जाकर ये मेरे प्यारे मित्रों कंबाइन हो जाती है, वहां जाकर ये चिपक जाती है दवाई और उसके बाद वायरस को रिप्रोड्यूस करने से रोकती है, ग्रो करने से रोकती है, जिससे कि धीरे धीरे आपकी बॉडी इस इंफेक्शन को खत्म कर देती है आपकी बॉडी के अंदर। सो बहुत ही अच्छी न्यूज दोस्तों ये आ रही है, देखो पॉजिटिव न्यूज हमें सुनने को मिल रही है मई में,
अप्रैल में नेगेटिव नेगेटिव न्यूज थी, मई में कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रही है, अब पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें जून जुलाई में। तो जून जुलाई दोस्तों दो और महीने हैं जिसमें हमें लड़ना है कोविड से। चलिए भाई दो और न्यूज बताऊंगा आज क्लास, मुझे पता है थोड़ी सी सर पर 2DG तो पाउडर है ना। हाँ जी वही तो मैंने आपको बोला था, इनो की तरह है प्यारो, और क्या बोल रहा हूं मैं, इनो की तरह एक सैशे है, वो आप खाओगे और आपकी बॉडी से वो चीज सेल में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ भाई हाँ, इनो 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 खाओ गैस भगाओ, ठीक है, इनो की तरह है भाई। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, देखिए मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीक ये न्यूज दी थी कि चाइना ने रिसेंटली मेरे प्यारे मित्रों एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया, और उस स्पेस स्टेशन में एक मॉड्यूल था तिनाहे, इस मॉड्यूल को लॉन्च किया था चाइना ने यूजिंग लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। अब भाई रॉकेट ने इस मॉड्यूल को स्पेस में पहुंचा दिया, उसके बाद ये रॉकेट वापस से री एंट्री हुई अर्थ में, और ये गिरा कहां पर आके, यहां पर मालदीव्स में, इंडिया के काफी पास है दोस्तों, आप देख सकते हो मालदीव्स में गिरा, अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में ये लॉन्ग मार्च थी। और नासा ने और दूसरी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उन्होंने चाइना को लताड़ लगाई है कि दिस इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल माय डियर फ्रेंड। तो ये कहानी है, इसके ऊपर ज्यादा बात मैं अब यहां पर नहीं करने वाला, ठीक है भाई, क्लियर बात। चलो लास्ट न्यूज ऑफ द डे सुन के जाना प्यारो, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जिसको पब्लिश करता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, इसने ये लॉन्च कर दिया है। यहां पर बेस ईयर 2014 और 15 मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है, साथ ही ये सीरियल्स को, ऑयल सीड्स के प्राइसेस को, डेयरी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को, मीट और शुगर, इन पांच प्राइसेस को नापता है, इन पांच यू नो चेंज जो होता है प्राइसेस में वो इसको मापता है। तो गाइज की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की, भाई ये बात बोलिए कि सिंस मई 2014 से दिस इज द हाईएस्ट प्राइस ऑफ शुगर, अभी तक सीरियल द प्राइस 1.2% से बढ़ा है इन अप्रैल मंथ टू मंथ, एंड 26% से बढ़ा है ईयर टू ईयर, लास्ट ईयर से 26% सीरियल्स का प्राइस इंक्रीज हो चुका है। वहीं वेजिटेबल ऑयल का प्राइस 1.8% लास्ट मंथ से इंक्रीज हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, और आप देखोगे सारे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ COVID-19 पेंडेमिक, ये चीज है, ये कहानी है, इससे ज्यादा इसके अंदर कोई भी न्यूज नहीं है। गाइस यूज करें कोड CF55 भाई, सेफ रहें, घर में रहें, घर में रह के आपको इतनी बढ़िया, आपकी देखो आपके पास आज के समय पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि आप क्लासेस ले सकते हो, आप इस समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हो, यू हैव दिस चॉइस। देखो लाइफ में चॉइस बहुत जरूरी है, अभी मैंने आपकी क्लास लगभग छोड़ी है 10 बजे, तो अब अगला घंटा 10 से 11 वाला, इसमें आप क्या करोगे ये आपकी चॉइस है मेरे प्यारे मित्रों। आप कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई कर सकते हो, आप सो सकते हो जिससे कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आप YouTube शॉर्ट्स देख सकते हो, TikTok देख सकते हो, एक्सेट्रा, अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो अनप्रोडक्टिव कामों में। तो मेरे प्यारे मित्रों इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि यूज करो कोड CA55 का, थोड़े से पैसे बचाओ और ग्रेड अप सुपर सब्सक्रिप्शन ले लो, और ऐसे टाइम में क्लासेस देखो और प्रोडक्टिव रहो लाइफ में। गाइस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। चलो अब एक बार आपसे बात कर लूं, क्या आज पंगा चल रहा था सर, बता दीजिए कि कोरोना रूप बदलने के बाद करेगा हर बार मेकअप तो पे के जलाता है। देखिए अनमोल राज जी, एक बार जब वैक्सीन लग जाएंगी सभी को, तो ऐसी वैक्सीन जैसे स्पुतनिक वी है या स्पुतनिक लाइट है, जो बहुत जल्दी मॉडिफाई करके लॉन्च की जा सकती है, तो अगर म्यूटेट भी करेगा वायरस तो आप बूस्टर शॉट ले सकते हैं, और इतने समय के बाद, साल दो साल बाद, हर्ड इम्यूनिटी भी क्रिएट हो जाएगी, म्यूटेट होना बंद हो जाएगा वायरस। बताएं और चलो, तो गाइस यहां पर क्लास आपकी खत्म होती है, मिलूंगा आपसे बाद में, बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड माय डियर फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए ऐसे समय पे,
कल आपसे मिलूंगा सुबह 9:30 की क्लास जरूर आना। सर्वो अर्पित आकर बोलता है, कोई नहीं हर्षप्रीत, देखे सबकी अपनी धारणा होती है, अपनी आइडियोलॉजी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली सबको सब लोग पसंद नहीं आते, मे बी पॉसिबल हर ताले की चाबी अलग होती है और किसी किसी ताले की कोई चाबी भी नहीं होती है ना, तो मान के चलिए विदाउट चाबी वाला ताला। यू अंडरस्टैंड, यस और नो, आप में दिमाग है, ठीक है चले। सर आप कौन सा कार्टून देखते हो? भाई मैं कार्टून नहीं देखता, मैं आपके कमेंट देखता हूं, इतने सारे होते हैं क्या करूं, ठीक है वही मेरे लिए एंटरटेनमेंट है। चलिए सो गाइज टेक केयर, बाय, गुड नाइट, मिलेंगे कल, क्लास को लाइक जरूर करें।